ओ भाई, ओ भाई साहब, ये ग्रैंड कैनियन पर कितने जॉइंट हो गए हैं। और कितने लंबे हो चुके हैं भाई, घर वर सब तोड़ दिए उन्होंने अपना। तो हेलो डिशन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो गाइस सब लोग दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आज हम लोग खेलने वाले हैं जॉइंट ग्रैंड ग्रैंडपा मोड। फिलहाल तो यार यहाँ पे ये लोग पिद्दी सा दिख रहे, बट यार गेम के अंदर ये लोग काफी बड़े हो चुके हैं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो अपना गेम शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग ग्रैंड ग्रैंड पे घर पे आ चुके हैं। और हाँ, सबसे पहले इस वाले लॉक पिक से हम लोग लॉक को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं ग्रैंड 3 में डोर एस्केप, बट यार पहले तो ये काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यार इसमें ग्रैंड ग्रैंड पे काफी जॉइंट हो गए हैं गाइस। हाथ में कुचल डालोगे, कुचल डालोगे जैसे बेडरॉक में। यार पहले तो ये ग्रैनी सिर्फ डंडा से मारती थी, बट यार अभी ये कुचल के भी हमें मार सकती है। ओके, तो हमारा डोर ओपन हो चुका है। और देखो भाई, ये ग्रैनी कितनी बड़ी चुकी है और कितनी जॉइंट हो चुकी है। अबे भाई, ये कहाँ ढकेल दिया मेरे को? ओ भाई, ये तो मस्त सा हैक लग रहा है गाइस। यहाँ पे मेरे को सब कुछ दिखाई दे रही है, और यहाँ पे तो मेरे को ग्रैनी ग्रैंडपा भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं कर सकती है, मैं कर सकती है। ओ भाई, ये तो मेरे को डरा ही दिया था। तो हाँ गाइस, ये पगली स्लेंडर ना कहीं पे भी पहुँच सकती है। चल बे भाग यहाँ से, बड़ा है मेरे से टिकट मांगने। अबे यार, ये भोपू मशा भोपू जाकर बुढ़ा बुढ़िया को नीचे बुला लेगा। अबे भाई, इतनी लंबी है कि इसका पता नहीं मुंडी कहाँ पे है। यार ये ग्रैंड ग्रैंड पर इतनी लंबी हो चुकी है, इसकी मुंडी आसमान छू रही है। अबे नहीं नहीं नहीं, वापस नहीं, वापस नहीं। अबे यार, बाल बाल बच गया गाइस, वरना ये ग्रैनी मेरे को वापस से नीचे भेज देती। ओके, तो हम लोग जैसे तैसे ऊपर पहुंच चुके हैं, और यार ये ग्रैनी इतनी जॉइंट हो गई ना, जहाँ तहाँ अटक रही है और साथ ही साथ मेरे को वेट कर रही भाई। तो इसलिए अभी मेरे को ग्रैनी को मारने के लिए सबसे पहले एक वेपन चाहिए होगा। और हाँ गाइस, अभी ना ये बताना तो भूल ही गया, ग्रैनी ग्रैंडपा के साथ ग्रैंडपा का शॉटगन भी बहुत बड़ा हो चुका है, और पता नहीं यार इसको हम लोग उठा पाएंगे भी या नहीं। इसको हम लोग स्लिंगशॉट से मार के दिखते गाइस कि हम लोग शॉटगन मिल पाती भी है कि नहीं मिल पाती है। फिलहाल तो यार मेरे को ये फ्यूज मिल गया है, तो चलो यार अभी इसको यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। एंड हाँ भाई, मेरे को मालूम है यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। वैसे यार इसको छोड़ो, हम लोग ग्रैनी से तो पहले ही मिल गया, तो क्यों ना यार अभी हम लोग ग्रैंडपा से मिल लेते हैं, वरना ग्रैंडपा को बुरा लग जाएगा गाइस। अच्छा तो मेरे को यहाँ पे मिल गया, मैं तेरे को कब से ढूंढ रही थी। अबे यार मेरे को मालूम है गाइस, ये बुढ़ा बुढ़िया मेरे को मार नहीं सकती गाइस। हे क्या बोला तेरे से बिटवा, मैं तेरे को मार नहीं सकती, पर यहाँ से जरूर तेरे को ढकेल सकती हूँ। अरे ग्रैनी, नहीं 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 नहीं, अरे गिर जाओ ग्रैनी। नहीं मजाक 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 कर रहा था, मजाक कर रहा था। अरे मैं अभी तो मजाक कर रही थी। यार ये ग्रैनी कितनी औसम है यार। भैंस की पूंछ पर मैं औसम बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज मेरे को गोली लगेगी नहीं भाई, कितनी भी ट्राई कर लो ग्रैंडपा, मेरे को गोली लगेगी नहीं। भैंस की पूंछ, तू तो गया बेटा। तो गाइस हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओपे भाई, ये क्या हो गया? म्यूजिक। तो गाइस हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओपे भाई, ये क्या हो गया? ओके, तो अभी हमारा डे 2 शुरू हो चुकी है, और यार पता नहीं है ग्रैंडपा मेरे को कैसे शॉटगन से मार दिए, क्योंकि यार मेरे को लगा नहीं था कि ये लोग बुढ़ा बुढ़िया मेरे को मार भी सकते हैं। तो हाँ, इसलिए ना मेरे को ग्रैनी ग्रैंडपा से भी बच के रहना पड़ेगा। ओके, तो एक बार हम लोग यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला है, और यार यहाँ पे शॉटगन के ढेर सारे एमओ पड़े हैं, पर यार हमें शॉटगन मिले तब ना। कोई नहीं, एक बार हम लोग इसमें भी चेक कर ही लेते हैं। और अभी अभी लात कौन मार रहा है भाई? यार एक तो यार ये ग्रैनी ग्रैंडपा इतने जॉइंट हो रखे हैं, हमें मार कम रहे और परेशान ज्यादा कर रहे गाइस। और ये देख लो भाई, लगता ग्रैनी यहीं पे अटक चुकी है। अरे हट जा बुढ़िया, मेरे को जाने दे उधर। चूहा चूहा, ये देख लो भाई, बुढ़िया मेरे को चूहा बोल रही है, गजब बेइज्जती है। और एक सेकंड, यार ये स्लिंग शॉट तो ऐसे ही बाहर आ गया। ग्रैनी अगर इसको पहले बाहर निकाल देते ना, तो मेरे को इतना वेपन की ढूंढना नहीं पड़ता। खैर कोई नहीं यार, अभी हम लोग चलते हैं नीचे की साइड। और हाँ, मेरे को ना स्लिंग शॉट के लिए स्टोन भी चाहिए होगा। और इधर क्या है? फायरवुड। तो छोड़ो भाई, आज हम लोग कलवा का पिछवाड़ा जला कर नहीं, उसको भाई शॉटगन चलाकर उससे आइटम ले लेंगे। तो फिलहाल यार मेरे को यहाँ से एक स्टोन मिल गया, और भाई बहुत ढूंढने के बाद एक स्टोन मेरे को यहाँ पे मिल गया। और भाई भाई भाई, मेरे को ना भाई उधर पे जाने पे डर भी लग रहा, क्योंकि यार उधर पे ग्रैंडपा भी है। भैंस की पूंछ, कुचल डालूंगा तेरे से बिटवा। अरे नहीं 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 नहीं, ग्रैंडपा प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। ओ भाई, ओके यार, तो जैसे तैसे हम लोग बचकर ऊपर की साइड पहुंच चुके हैं, और अभी तो यार बुढ़ा बुढ़े मेरे को बहुत ज्यादा ही परेशान कर लिया। तो अभी गाइस बुढ़ा बुढ़े के मरने का टाइम आ गया है। इसके बाद तो मर गया हमें। अरे बाप रे बाप, मेरा तो सर घूम रहा है। राक्षस बनो, खाते फिरो गपर गपर में। ग्रैनी आप तो गया। ए मेरे को मारियो, मेरे को मारियो, मार हाय मेरे भैया, मार डाल रे। यार पता नहीं यार ये ग्रैनी कहां गायब हो गई। खैर हमें क्या गाइस, हमें यहाँ तो शॉटगन मिल गया है, और अभी टकलू कहीं का तू भी निकल। ओ भाई साहब, ये टकलू भी गायब हो गया गाइस। और भाई भाई, ये कलवा कितना इज्जत से बात कर रहा गाइस। अरे मेरे कल तो
पकड़ ले भाई तो। अरे हाँ हाँ डर मत, कलुआ अस्त्र को मैं मारूंगा नहीं। तो चलो यार, कलुआ हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया है, तो ठीक है यार। यहाँ पे कैमो पड़ा है। और एक सेकंड यार, इसमें क्या है भाई? ओके इसमें है जनरेटर केवल, इसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं और शॉटगन लेके चलते गए तभी नीचे की साइड। और यहाँ पे ना एक बास पड़ा है एंड आई थिंक ये हमें बाद में काम आ सकता है। एंड यहाँ पे भी भाई एक कैमो पड़ा है, इसको भी रिलोड कर लेते हैं। तो भाई अभी हम लोग इधर पे चलते हैं, देखते भाई इधर पे कुछ है भी या नहीं। तो अभी बिल्कुल आराम से ओके देखता हूँ भाई, इसके अंदर तो हमें कुछ काम का तो नहीं है। तो लेके चलते हम लोग क्रो बार और चलते ऊपर वाले बॉक्स को, यहाँ वाले बॉक्स को खोलते हैं गाइस। ओके देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है भाई सेड की। तो चलो भाई ये तो काम की चीज है, अभी तो इसको लेके चलते हम लोग सेड के पास और देखते हैं हमें सेड के अंदर कुछ मिल जाए तो। तो चलो भाई फटाफट से ऊपर क्यों चलते हैं। ओके भाई यहाँ पे, ओके यहाँ पे कोई भी नहीं है। अच्छा तो सेड की अभी इधर पे यूज होगी। ओके इसको खोलो एंड देखते हैं भाई यहाँ पे हमें क्या मिलता है। और ये क्या भाई, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक स्विच मिल चुका है। और यार ये तो हमारा कोई काम का नहीं गाइस, क्योंकि यार ये ट्रेन स्किप में काम आता है। तो फिलहाल इसको छोड़ो गाइस, यहाँ पे एक स्टोन चमक रहा है तो जल्दी से इसको उठा लेते हैं। एंड यहीं पास में मेरी एक स्लिंग शॉट भी पड़ी है, तो अभी इसको भी उठाते हैं गाइस, चलते हैं ग्रैंडी ग्रैंडपा को मारने के लिए। अरे यार क्या है ये, यार ये ग्रैनी तो यहीं पे आ रही है। और अबे भाई कहाँ खसड़ के ले जा रही है मेरे को, अबे घसीट के मत ले जा भाई, प्लीज 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 प्लीज। ओके यार तो हम लोग घसीटते घसीटाते जैसे तैसे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अभी यार मेरे को सेड पे जाना है, बुढ़ा बुढ़िया मेरे को सेड तक पहुंचाएंगे। तो अभी कुछ नहीं यार, यहाँ पे हम लोग बस खड़े हो जाना है और बस अभी यहाँ पे थोड़ी सी शोर शराबे करने का। तो यार मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ गाइस, क्योंकि यार हम लोग डायरेक्ट सेड की ओर निकल गए। और ये लो भाई हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। अबे 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 ये क्या यार, मुझे लगता है ये बुड्ढा मेरे पेट में शॉटगन घुसेड़ के ही मानेगा। तो ठीक है यार, हम लोग इस वाले केबल को यहाँ पे जनरेटर पे लगा देते हैं और बस भाई मेरे को जनरेटर चालू करना है। तो फाइनली भाई पूरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। और हाँ भाई मेरे को मालूम है ये लोग मेरे को ऐसे एस्केप करने नहीं देंगे। हाँ मैंने दिया ना ग्रैनी। अरे भाई, अबे भाई क्या ही तगड़ा वाला धक्का था, मेरे ग्रैनी इस पार ला दिया। तो चलो यार कोई नहीं, इसको भी ऑन कर लेते हैं एंड हम लोग अभी चलेंगे ऊपर की साइड, क्योंकि यार अभी ना ये लोग को मेरे को नॉर्मल साइज करना पड़ेगा, वरना गाइस ये लोग मेरे को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। अरे रुक जा, बड़ा भागते किधर है? अबे यार मेरे को ना फिलहाल अभी डर भी लग रहा, ये लोग कहीं मेरे को मारवा ना दे गाइस। अरे पता नहीं ग्रैनी तो कहाँ गए हो गए। अरे हाँ भाई मेरे को ग्रैंडपा दिख नहीं रहे। भाई भाग ग्रैनी भाग, उसके पास गुलेल है। अरे भागो रे, मारा मेरे ग्रैनी को मारा। हाँ भी आपको भी मारा ग्रैंडपा, बड़ा है मेरे को मारे। अरे बाप रे बाप, मेरे को तो चक्कर आ रहा है। तो चलो भाई अभी जल्दी से शॉटगन को हम लोग ले लेते हैं, तो अभी भाई बिल्कुल आराम से हम लोग कहीं नीचे ना गिर जाएं। और ये लो भाई आ गया आखिर, अबे ये क्या शॉटगन नीचे गिर गया। तो खैर गाइस अभी शॉटगन छोड़ो भाई, क्योंकि ना हम लोग को यहाँ से भी एस्केप भी करना है। तो चलो यार फटाफट हम लोग यहाँ से भी नीचे उतर लेते हैं। और हाँ अभी मेरे को चाहिए गाइस ये वाला क्रोबर, क्योंकि यार सेम ऐसा ही बॉक्स ऊपर में भी पड़ा है और हो सकता है उसमें मेरे को कुछ काम का मिल जाए। एक सेकंड इसको भी लगा लेता हूँ। तो भाई आ गया मैं इस वाले रूम में क्रोबर लेके, और इसमें से मेरे को ब्रिज क्रैंक मिल चुका है। तो चलो भाई अभी हमें सारे चीजें तो मिल चुकी है और अभी बस हमें यहाँ से एस्केप करना है गाइस। और ये क्या भाई, ये स्टैचू तो ऊपर पड़ा होता है, पता नहीं यार ये नीचे कैसे आ गया। ओ वैसे यार मेरे को लग रहा था कि मेरे को और भी बहुत कुछ चाहिए एस्केप करने के लिए, बट यार फिर मेरे को याद आया कि सिर्फ और सिर्फ हमें ब्रिज क्रैंक चाहिए था। ओके तो फिलहाल मुझे ब्रिज क्रैंक मिल गया है, अभी इसको हम लोग को यहाँ पे लगाना है। ऑलराइट गाइस ये लोग, अबे चल निकल यहाँ से पगली स्लेंडरिना। तो अभी ना भाई सब लोग कमेंट में पगली स्लेंडरिना लिख ही दो गाइस। तो बाय बाय ग्रैनी, बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय स्लेंडरिना। अरे अरे अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अरे ग्रैंडपा ये स्लेंडरिना की आवाज कहाँ से आ रही है? मोड़िया अपने धोती के नीचे देख। अरे सब्सक्राइब करो बिल्कुल मत भूलना, टेढ़ा हो जाएगी उससे ना ग्रैंडपा, पाँच ना मत वरना स्लेंडरिना मर जाएगी। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना।